प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपना वर्ल्ड लीडर होना साबित कर दिया। रिसेंटली उन्होंने एएनआई की चीफ एडिटर समिता प्रकाश जी के साथ एक इंटरव्यू में पूछे गए एक सवाल पाकिस्तान और भारत के साथ रिश्तों के हवाले से उन्होंने इतना मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चीन और मालदीव में जो कुछ भी भारत के खिलाफ नैरेटिव है वो उनकी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। मैंने भी जुमला बोलने को ज़रा लंबा बोल दिया। उन्होंने तो देशों के नाम भी नहीं लिए, उन्होंने तो कहा कि इन देशों में। तो ये है एक वर्ल्ड लीडर का स्टैचर, ये है एक वर्ल्ड लीडर का जेस्चर कि वो दूसरों के मामलात पर कितना कम बोलता है और कितने काम की बात करता है। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था 2014 से ही, पाकिस्तान चाइना के साथ भी ऐसे किया था, लेकिन जब आप सक्सेस स्टोरी या अपने नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स ये भी आते हैं और यहाँ पर कटाक्ष है अगर आप बात करें तो इसके लिए सुधार उसमें उनकी अंदरूनी राजनीति महत्वपूर्ण है। भारत और उन देशों का संबंधों से ज्यादा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीजें जरूरी है। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कह सकते थे, मगर चूंकि ये काम भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री या भारत के फॉरेन मिनिस्टर करते रहते हैं, तफसील से बयान देते रहते हैं, तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग अपकमिंग सुपर पावर, अगर ये बात इस अंदाज में करती है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सीखने की बात नहीं है, ये चीन के लिए भी सीखने की बात है और ये अमरीका और यूरोपियन यूनियन के लिए भी सीखने की बात है कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो कस्टोडियन है, वो बात कितने तहम्मल से, सलीके से और नपे तुले शब्दों के साथ करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की डिसेंसी का एक फ्यूचर है। मैं ये बड़ी बात कह रहा हूं, मगर जो वो एक्शन लेते हैं, जिस तरह की वो बातें इंटरनेशनल स्टेज पे करते हैं, ये मेरा कहना भी छोटा है, वो शायद इससे ज़्यादा मैच्योर, इससे ज़्यादा वाइज हैं जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बयान कर रहा हूँ। अब अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के किसी बड़े लीडर से ये बात पूछी जाती तो उन्होंने तो आई बाई शाई करना थी। हम देख चुके हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा। देखिए, वजीर आजम जो है वो ज्यादा खुद दहशत गर्द है उनका, वो उस कत्लेआम किए हुए मुसलमानों का गुजरात में, उसके हाथ जो है मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। तो ये है एटीट्यूड का फर्क, माइंड सेट का फर्क, बयानबाजी का फर्क भारत और पाकिस्तान के बीच। अब अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल हालात को देखें तो पाकिस्तान में किसी को ठीक से अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसकी सरकार कौन चला रहा है, अपेरेंटली अंदाज़ा नहीं होता, मगर पता सबको है कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। अभी कल ही पाकिस्तान की आर्मी का एक कोर कमांडर इजलास हुआ और उसके हवाले से जो सबसे ज़्यादा कंसर्न शो किया गया वो ये है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इतना क्यों उनके मुताबिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। यह है पाकिस्तान का कंसर्न। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह कंसर्न है, वो समिता प्रकाश जी को उन्होंने कहा, जब समिता प्रकाश जी ने उनसे पूछा कि आप दुनिया के बड़े देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको आपस में मिला देते हैं, उनकी बातचीत करा देते हैं, उनके यहाँ उनके बीच मीडिएटर के तौर पर अपना काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तो समटाइम इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी साइड पे करके दोस्ताना माहौल के साथ उन सब लीडर्स को आपस में एक मेज पे बिठा देते हैं। तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जेस्चर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी अगर प्रोटोकॉल में फंसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमेसी की ताकत भी इनफॉर्मल में भी है, प्रोटोकॉल में ही ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल में बंधने के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस करके
डिप्लोमेसी के लेवल को शिफ्ट करने का प्रयास किया और उसमें मुझे सफलता मिली है। ये है भारत का जेस्चर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अब आप देख लीजिए कि एलोन मस्क जिस तरह भारत जाने का ऐलान कर चुके हैं और वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी की प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, और इस वक्त एप्पल हो, गूगल हो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भारत में कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लग तो यही रहा है कि डेफिनेटली एक बार फिर तीसरी बार रीएलेक्ट होंगे। और ये 2024 है, मगर उन्होंने 2047 का टारगेट भारत और भारतीयों के लिए रखा है कि भारत 2047 तक, यानी जब भारत की 100 साल इंडिपेंडेंस हो जाएगी, तब तक भारत दुनिया के डेवलप्ड नेशंस में आ जाए। अब पाकिस्तान जहां से इतनी घटिया जुबान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल होती है, वो 100 साल बाद कहां जाएगा? क्या पाकिस्तान 100 साल बाद इस पोजीशन में भी होगा या इस हालत में भी होगा जिस हालत में है? यानी इतनी बुरी हालत जो है पाकिस्तान की, क्या इस हालत में भी अगले 23 साल बाद पाकिस्तान होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है खुद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए? अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी इनडिसेंसी की वजह से, और जो नफरत इन्होंने टू नेशन थ्योरी से 1947 से अपने अंदर पाली हुई है हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, ये उसका कर्मा है जिस पे पाकिस्तान आज बदकिस्मती से खड़ा है। पाकिस्तान को आज भी समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान में समझने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही काल पड़ा हुआ है, फुकदान है। नवाज शरीफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मोदी साहब कहा था, और कहा था कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। ये लैंग्वेज है जो नवाज शरीफ ने बरती, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरतते हैं हर एक वर्ल्ड लीडर के लिए। तो नवाज शरीफ ने तो एक अच्छा जेस्चर दिया और ये हमें इंडिकेशन दी कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसेंसी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, उसके लिए अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर नवाज शरीफ ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या तकलीफ है पाकिस्तान के आर्मी जर्नैलों को या उनके पाले हुए, उनके पपेट पॉलिटिशियन सच एज ख्वाजा आसफ, बिलावल भट्टो, कि ये अपनी जुबान को महजब नहीं बना सकते? एक तो इन लोगों के अंदर इन हेरिटेड हेटेड टूवर्ड्स हिंदूज है, ये बात रियलिटी है, और दूसरा बात करने की तमीज ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी को सोचना होगा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस भारत के खिलाफ नैरेटिव की बुनियाद पर है, मगर पाकिस्तान को इतने दरपेश मसाइल हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपनी तवज्जो अगर उन मसाइल की तरफ दे तो मसाइल पाकिस्तान के निस्पतन हल हो सकते हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान आर्मी जब पाकिस्तान के अंदर मसाइल की तरफ तवज्जो देती है तो वहाँ के लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। जैसे ये कराची एयरपोर्ट पे एक वाकया पेश आया जिसके हवाले से वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लिख भी रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि किसी को कराची एयरपोर्ट पे पाकिस्तान आर्मी की इमा पे पकड़ा, उसको मारा पीटा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद गलत बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब पाकिस्तान आर्मी के हाथ लगे हैं, तो उनको समझ आई है कि जिस आर्मी के साथ वो इन पेज थे, जिस आर्मी के इश्क में वो हर वक्त हर दूसरे मुखालिफ शख्स को गद्दार और काफिर कहते रहते थे, अब उनका नैरेटिव कहाँ गया? अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों, पाकिस्तान आर्मी इट्सेल्फ हो, पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों के लोगों, इन सब को अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। इस तंग नज़री के साथ पाकिस्तान की रियासत नहीं चल सकती।
पाकिस्तान के हालात इतने दगरदू हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, पाकिस्तान की रियासत नहीं चल सकती। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बहावल नगर में जो एक वाकया हुआ जिसमें आर्मी वालों ने एक थाने के अंदर जाके धावा बोला और पुलिस के लोगों को मारा, और उससे एक दिन पहले आर्मी के दबाव पर पुलिस के बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की पुलिस बड़ी अजीम है या पाकिस्तान की आर्मी बहुत गलत है। ये एक पावर हंगर का ऐसा सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है जो मैं एटलीस्ट 50 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने अर्ली टीनेज के ज़माने से अब तक। ये कोई नई बात नहीं है। जैसा बहावलनगर में वाकया हुआ उसकी जो तफसीलात पाकिस्तान के मीडिया से और सोशल मीडिया से हम तक पहुँची वो ये था कि जिन लोगों को पुलिस ने पहले पकड़ा उनमें कुछ आर्मी के अहलकार भी थे जो पाकिस्तान के उन इलाकों में डकैती की वारदातों में मतलूब थे। तो ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान का मुआशरा इतना डिटोरिएटेड हो गया है, इतना जवाल पजीर हो गया है कि उसमें पैसे कमाने के लिए आर्मी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, किसी भी महकमे के लोग हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, किसी भी समाज के हिस्से के लोग हों, वो सारे के सारे अंधेर नगरी मचाए हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर का उस मुल्क में कोई काम नहीं है। और जब आर्मी के लोग उस लॉ एंड ऑर्डर के निशाने पर आए तो उन्होंने पुलिस थाने पे हल्ला बोला और पुलिस के नौजवानों पे ही शदीद तशद्दुद किया। सर जी फिर मारते रहे सर जी, हवा लाच बंद सके सर जी, यकदम सर जी तकरीबन 30-35 फौजी सके, एक कर्नल सिगा, कोई ब्रिगेडियर सिगा सर जी, दो तीन सिविल च बंदे सी नाल, मोदई सी अनवर नाम का बंदा सिगा जट सर जी, जिन्होंने साढ़े खिलाफ सानू जरमाल बनाया सिगा, इन्हें हवा लाच ताला तोड़ के सानू मारिया सर जी, फिर मारते रहे सर जी, तहन करते रहे, नखन खींचते रहे सर जी, एक फिर नाल एक कमरा आई थी, नाल कमरे च लैके बूहा बंद करके सर इन्होंने शलवार उतारी है सर सर के बहुत कुटिया सर जी, हाँ जी फिर इंजेक्शन लाया इन्होंने सर जी, वाला लमके का लाया सर, बहुत ज्यादती की थी सर इन्होंने मेरा, असि मुसलमान है सर जी, इधर भी थोड़ा तो ना पुलिस वाले वहां पे दूध के धुले हुए हैं, ना आर्मी दूध की धुली हुई है, और ना पाकिस्तान के दूसरे इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग दूध के धुले हुए हैं। तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि इस माइंडसेट के साथ वो आगे कैसे जा सकते हैं। आगे तो क्या, अब तो ये सोचना होगा कि पीछे और कितना इन्होंने जाना है। ऑन द अदर हैंड भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह का जेस्चर हर आए रोज देते रहते हैं और भारत का ये पैगाम कि दुनिया एक साझा समाज है वो देते रहते हैं। जब सुमिता प्रकाश जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये पूछा कि जब भारत का ये नैरेटिव है कि सारी दुनिया एक साझा खानदान है और हमसाए तो वैसे भी भारत को बहुत अजीज हैं, तो क्यों फिर भारत के कुछ हमसाए जिनमें चीन, पाकिस्तान और मालदीव का नाम था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत नपे तोले लफ्ज़ों में कहा कि इन मुल्कों में जो कुछ हो रहा है इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिप्लोमेटिकली यही कहना चाहते थे, अगर वो इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे, मगर मैं आखिर में जो बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं उन्होंने की मैं वो कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और मालदीव में तो ख़ास तौर पर इस्लाम की जो एक्सट्रीमिज़म एग्जिस्ट करती है उसने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपना किरदार अदा किया है और इन हालात में पाकिस्तान और मालदीव को पहुंचा दिया है जिस पे वो आज हैं। और चीन की चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन और पावर हंगर है जिसकी वजह से चीन की इकोनॉमिक डिटोरिएशन शुरू हो चुकी है और चीन में जो सोशल स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी ख़राब है, तो इन देशों को भारत से सबक सीखना होगा और भारत की जो हम्बलनेस है और उसके साथ साथ तरक्की है, जो भारत के तरक्की के टारगेट्स हैं उनको अपने जेहन में रखना होगा, और अमन के साथ अगर ये देश रहना चाहेंगे तभी इन देशों की लॉन्ग टर्म तरक्की होगी, वरना भारत तो अपनी तरक्की के रास्ते पे
चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.